रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। मौन रहना एक साधन है और सोच समझकर बोलना एक कला है। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। हजार चाहने वाले से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना ज़रूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हों। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। जहाँ नाराज़गी की कदर ना हो, वहाँ नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है
जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी नहीं हंसना चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है, वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, और ना करो तो लोग याद रखते हैं। किसी को माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। रोना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा, कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखो, आजकल लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाइयाँ देनी पड़ती है। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।